बड़ी खुशी महसूस होती है जब मेरा हर एक कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाता है। जाना कहाँ ये तो पता नहीं, हाँ बस इतना ज़रूर पता है कि मेरा सफ़र मेरी मंजिल से कम भी नहीं है। तो आज हम निकल चले हैं तारकेश्वर महादेव मंदिर की ओर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको हमारे उत्तराखंड का एक और खूबसूरत मंदिर, तारकेश्वर मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग पहाड़ी चैनल। और गाइज, आज मैं आ रखा हूँ तारकेश्वर महादेव टेंपल में, जो कि है लैंसडाउन से 35 किलोमीटर की दूरी पर। मैं लैंसडाउन आया हुआ था तो मैंने लैंसडाउन एक्सप्लोर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, मेरी पिछली वीडियो है। और तारकेश्वर महादेव टेंपल आने के लिए मैं लैंसडाउन से आया हूँ। लैंसडाउन से टैक्सी पकड़ी थी चकड़ेखाल के लिए। चकड़ेखाल से अब 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, रोड ही रोड। मुझे जाना है तारकेश्वर महादेव टेंपल। और अगर आप भी तारकेश्वर महादेव टेंपल आना चाहते हैं तो आपको पहले कोटद्वार के बस डिपो आना पड़ेगा और वहाँ से आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी। टैक्सियाँ आपको मिलेंगी हाँ चकड़ेखाल तक के लिए। और अगर आप 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो आप टैक्सी में चकड़ेखाल तक आएँ, वरना आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसका चार्जेस लैंसडाउन से तो 1500 रुपये तक, कोटद्वार से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको बाकी तारकेश्वर महादेव टेम्पल में। तो मेरे पास बिस्किट्स हैं और सामने लंगूर है काफ़ी सारे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें मैं खिलाऊंगा, बस ये मुझे नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई हैंड भी नहीं मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे बिस्किट्स रख रहा हूँ, देखते हैं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, तो वो सारे नीचे आने लग गए हैं बिस्किट्स के लिए। हैं नहीं, मैं बिस्किट रख रहा हूँ, खा लिए उन्होंने। खाली इधर जा रहा नहीं, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ मंदिर पहले। भाई यहाँ से ना ऊपर से रस्ता, यहाँ से अच्छा अच्छा यहाँ से नीचे रास्ता है तारकेश्वर महादेव जाने का। और यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है, प्रसाद वगैरह लेना है, फोटोज वगैरह कैसे वाला देना है, पूरा प्रसाद देना, नारे वाला 101 वाला कि 151 वाला? 101 वाला दे दो। और प्लेट थाली वगैरह भी होती है, ऐसी चढ़ाना होता है? ये ऐसे चढ़ाना होता है। अच्छा अच्छा, पंडित जी को देंगे, ठीक है तो चलो ठीक है, मैं तो दे दूँगा। नहीं नहीं भाई, न्यूज़ से नहीं, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, यूट्यूब पर डालते भैया, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हाँ, ये ग्राहक ग्राहक मारने वाले दूसरों के। हाँ हाँ हाँ, पहले बोल दिया तो ये तो देखो भाई ना। तारकेश्वर महादेव मंदिर बलूत और देवदार के वनों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ कई पानी के छोटे छोटे झरने भी हैं। यह मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ आप किसी भी दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर यहाँ नज़ारा अद्भुत होता है। यहाँ शिवरात्रि के वक्त विशेष पूजा आयोजन की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी।
शिव जी से वरदान पाकर ताड़कासुर अत्याचारी हो गया था। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ताड़कासुर का अंत करने के लिए कहा। ताड़कासुर का अंत केवल भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय कर सकते थे। भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय ताड़कासुर से युद्ध करने पहुंचे। अपना अंत नजदीक जानकर ताड़कासुर भगवान शिव से क्षमा मांगता है। भोलेनाथ असुराज ताड़कासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी, इसलिए असुराज ताड़कासुर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ ताड़केश्वर कहलाते हैं। एक अन्य दंत कथा यह भी है कि एक साधु यहाँ रहते थे जो आसपास के पशु पक्षियों को सताने वाले को ताड़ते यानी दंड देते थे। इनके नाम से यह मंदिर ताड़केश्वर के नाम से जाना जाता है। ताड़कासुर के वध के बाद भगवान शिव ने यहाँ पर विश्राम किया था। विश्राम के दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती सात देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई, इसलिए मंदिर के पास उन सात वृक्षों को माता पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ उत्तराखंड में या कहीं पर भी, तो मैं एक निशानी ले लेता हूँ अपने साथ। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यू गाइज ऑलरेडी नो कि मेरे पास पूरा कलेक्शन है इसका। मैं उत्तराखंड में जितनी भी जगह गया हूँ तो मैं हर जगह से एक पिक्चर ले लेता हूँ वहाँ की, ताकि मेरे पास एक निशानी रहे। तो भाई एक ये वाली पिक्चर कर दो। और प्रसाद के पास रहते भाई के, पहले मेरे को खुले नहीं थे तो भी खुले करा के आया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियोस मिल जाएं। और अपने कीमती सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।